साक्षात्परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। वैसे तो प्रवचन देता हूँ, लेकिन मेरे संगीत के भाई साहब मेरा आधा प्रवचन का काम वही कर देते हैं। आज पाणिग्रह महोत्सव है, जिंदगी के 42 साल हो गए शादी को, 42 ईयर्स हो गए। जीवन में उतार चढ़ाव दोनों ने भी देखा, सारी गृहस्थी में जैसा चलता है हमारी गृहस्थी में भी चला। मैं भी 6 भाइयों का बड़ा भाई हूँ, घर में शादी शादी सारी सारी क्रियाएँ जो भी होती है करता हूँ। कभी कभी दोनों में भी विचारों में अनबन होती है, लेकिन जो ये संसार की नैया हम दोनों ने चलाई उसके केवट परमपूज्य सद्गुरुदेव जी है, इसलिए ये नाव कभी डगमगा ही नहीं। हम दोनों को संभाल कर यहाँ तक ले जाए और आगे भी ले जाएंगे, यही आशा रखता हूँ। अभी रही बात कि पाणिग्रहण महोत्सव मनाने की, मैं रमेश को भी पारू बंधु सबको बोलता हूँ, मैं गुजरात आके इतनी दूर मेरा पाणिग्रहण महोत्सव या जन्मदिन महोत्सव बनाने के लिए मुख्य कारण है, एक तो नर्मदा नदी का किनारा और दूसरे आप सभी के साथ मिलने का बहाना कि मैं आप सभी के साथ मिलूं, क्योंकि गुजरात से हैदराबाद आने के लिए बहुत समय पड़ता है और तो यहाँ के लोग बहुत बिजी होते हैं, हमारे जैसे बेकार नहीं होते, हम बहुत बेकार लोग हैं। क्योंकि यहाँ पैसा उगता है, वहाँ हमारा पैसा उगाना पड़ता है, तो मेहनत दोनों तरफ मेहनत में बहुत फर्क है। इसलिए आप सभी के इस प्रेम को लेकर मैं यहाँ आज कम से कम 10-12 साल हो गए शायद, मैं समझता हूँ कि मेरा पाणिग्रहण महोत्सव जन्मदिन महोत्सव गुजरात में ही हो रहा है और अच्छे अच्छे क्षेत्रों में हुआ, क्षेत्रों का दर्शन हुआ, ये सब उनका प्रेम है जो मुझे प्रदान करते हैं और मैं उसके लिए वहाँ से आता हूँ। ये इच्छा नहीं कि पाणिग्रहण महोत्सव मना लूँ, आपको क्या बताऊँ, शादी से जब गुरु जी जब तक नहीं मिले, कम से कम मेरी उम्र के 27-30 साल तक हमने कभी पाणिग्रहण महोत्सव नहीं, ये कभी भी ऑफिस से आता था तो बोलती है शायद माँ बाप तो कभी बनाए नहीं, माँ बाप को क्या शायद ना जन्मदिन मालूम, क्योंकि उनके ज़माने में था ही नहीं ना पाणिग्रहण महोत्सव। अब ये जब आई आने लगी तो याद से जन्मदिन करती थी घर में, क्या कुछ ना कुछ स्वीट बनाना, भगवान दर्शन मंदिर को जाके आना, या फिर कहीं और शादी के लिए शादी की सालगिरह, और मैं शादी की सालगिरह की नहीं है, मेरा ये भाग्य था कि उस दिन ही काम इतना रहता था रात के 11 बजे तक वापस नहीं आता, ये इंतजार करके बैठी थी क्या भी आएंगे, मेरे को आने के बाद आज आपको पता है क्या है, मैंने क्या है शादी की सालगिरह, तो क्या मैं अभी तक नहीं बनाया, अभी नहीं अभी क्या बनाने का, चल ऐसा उल्टा डाल देता था, अब वो नाराज़ हो जाती थी कि क्या, मैं बोले शादी की सालगिरह क्या बना रहे थे, उसमें हो गए शादी हो गई बच्चे हो गए सब हो गए, अभी शादी की सालगिरह का टाइम का आती बात, लेकिन बाद में आते आते ये हुआ कि जैसे ही हम गुरु से मिले तो लोगों ने कहा कि गुरु, पहले तो गुरु जी का जन्मदिन ही मनाया जाता था, मैं समझता हूँ 1990 में गुरु जी का पाणिग्रहण महोत्सव मनाना शुरू किया, वो भी जोधपुर में 1990 से 1996 था। तो गुरु जी ऐसे ही बैठे बैठे बात करते, अरे जैसी तरह जन्मदिन कब है, 21 फरवरी को है गुरु जी, तेरी शादी कब हुई, मैंने ऐसा ही सुना, तो तुम शादी की सालगिरह मनाता है, नहीं मनाता, मैंने कहा नहीं गुरु जी मुझे अच्छा नहीं लगता शादी का सालगिरह मनाना, जन्मदिन मनाना मुझे अच्छा नहीं लगता, हम कौन से बड़े गुड़म खान हैं आए जन्म पृथ्वी पर, किसको हमारे किसको गर्व है हमारे लिए, हम जन्मदिन क्यों मनाएं। तो उसने कहा ऐसा है तो आपसे याद रख तेरा जन्मदिन मैं मनाऊंगा और आप सब मेरा पाणिग्रहण महोत्सव जन्मदिन मैं नहीं मनाता, लेकिन आप मनाते हैं जिसमें गुरु की स्थापना है, या गुरु बनकर आप मेरा पाणिग्रहण महोत्सव जन्मदिन महोत्सव मनाते हैं। बात ये हुई
या हम तो गुरु जी का पाइपलाइन महोत्सव एक बार 5 जून गुरु जी को जाने से पहले 1998 गुरु जी 3 जुलाई को हुए और 1998 जोधपुर में 5 जून के लिए पाणिग्रहण महोत्सव था। गुरु जी ने बुलाया था क्योंकि अगला 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी, तो गुरु जी ने कहा कि जोशी तो आया, मैं गया। गुरु जी बीमार थे, पाणिग्रहण महोत्सव करने के लिए जोधपुर में ही मनाया जा रहा था। तो गुरु जी आने के बाद बोले, जोशी पाणिग्रहण महोत्सव पे दो बातें बोलूँ मैं, पहली बार बोल पाणिग्रहण महोत्सव में मैं ही नहीं कर लेता, पाणिग्रहण महोत्सव पे दो बातें क्या बोलूँ। तो उस दिन गुरु जी ने कहा था, मेरा और माता जी का दोनों का एक अच्छा सा लैमिनेशन फोटो बना के ला, मैं सभी साधकों को गिफ्ट देना चाहता हूँ। मुझे उसी लिए आना पड़ा, मैंने गुरु जी माता जी का फोटो लैमिनेशन बनाया और एक 2000 पीसेस बना के गुरु जी को ला के देना था, ला लेके आया। अब बात करूँ तो क्या बात करूँ, मुझे याद आया कि हमारे संसार में ये पाणिग्रहण महोत्सव मनाना या जन्मदिन मनाना ये क्यों मनाते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाते हैं, श्री रामनवमी क्यों मनाते हैं, कोई तारा महाविद्या की जयंती क्यों मनाते हैं, कोई किसी का पाणिग्रहण महोत्सव देवताओं का क्यों मनाते हैं। देवताओं के लिए कोई, आप देखो हम आज तक कभी कोई ऋषि का जन्मदिन नहीं मनाए, क्यों सप्तऋषियों के लिए ऋषिपंचमी मनाते, सभी को मिला के एक ही क्यों नहीं मनाते, ऋषिपंचमी किसी ऋषि का जन्मदिन नहीं मनाते, ना हमें याद है ना उनका पाणिग्रहण महोत्सव हमें याद है। तो इसके पीछे क्या कारण है कि हम पाणिग्रहण महोत्सव मना रहे हैं। तो उस दिन गुरु ने कहा था, जोशी यहाँ से भी ज़्यादा तो साउथ में ही ज़्यादा है कि नित्य तुम्हारे हर मंदिरों में पाणिग्रहण, जैसे बालाजी का तिरुपति बालाजी का मंदिर वहाँ नित्य पाणिग्रहण महोत्सव होता है। तो इसके पीछे क्या कारण था कि वहाँ के अनन्या नाम के एक भक्त थे जो हुए, तो किसी ने आकर कहा कि उनके घर में बेटी बहुत गरीब है और कुरूप है, इसकी शादी नहीं हो रही है, मैं बालाजी के पास बहुत बार आके गया हूँ लेकिन शादी नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूँ बालाजी का पाणिग्रहण महोत्सव मनाऊँ। तो बोले वो कब है हमें हमें क्या बताऊँ, अब बालाजी की तो जैसे 3 पत्नियाँ थी, कौन सा पाणिग्रहण, पहली पत्नी का, दूसरी पत्नी का, तीसरी पत्नी का, कौन सा पाणिग्रहण महोत्सव मनाया। तो उन्होंने कहा कि वो तो नित्य कल्याण करने वाले, तो उन्होंने कहा तो आज ही उनके सामने बैठ भगवान वेंकटेश्वर को दूल्हा बना, माता लक्ष्मी पद्मावती जी को दुल्हन बना और उनको तेरे मन में जैसा है वैसे पूजा करते हुए कपड़े आदि उनको प्रदान कर। तो उनके कहने पर रामायण बहुत बड़े भक्त हैं जो पर उन्होंने कम से कम 20,000 श्लोक लिखे हैं तेलुगु में। तो उनके कहने पर उन्होंने उस शादी का महोत्सव पाणिग्रहण महोत्सव मनाया, जैसा उसको जितना भी ज्ञान था, कपड़े लाए, शादी बनाए, कपड़े पहनाए, सब किया और कहा अब तू देखना तेरे घर में कैसे शुभ कार्य नहीं होते। कहते हैं वो जैसा ही घर को गया, अपनी बेटी को बोला मैंने ऐसे पाणिग्रहण महोत्सव करा, बहुत हो गया बाबा, बहुत सारे व्रत कर लिए, कुछ कर लिए, शादी कुछ होने वाली नहीं, ऐसा बेटी भी तंग आकर कह रही थी कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं। तो उन्होंने कहा उस महान आदमी ने कहा है तो मैंने इसके पाणिग्रहण महोत्सव मनाया है, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो दूसरे दिन क्या हुआ कि उनको उस बालाजी और पद्मावती का वाते आते हुए एक छोटा सा इतने में फोटोग्राफ वो लेके आए थे, उन्होंने लेके आए और वहाँ रखे, उसकी पूजा कर रहे थे। तो बेटी बहुत गुस्से वाली थी, उसने कहा ये आज तक उस मंदिर में इस मंदिर में जाते हो, देवताओं खिलाते हो, करते हो, मैं क्या ठीक लगता है क्या, ये मैं पूजा वाली नहीं करती, ये उसको बाहर फेंक दी, उसको नाराज़ ले बोले तो इस फोटो से क्या होने वाला है, क्यों नाराज़ होती है रहने का। तो उसने कहा कि इसका जिसको ज़रूरी है उसको दे देना चाहिए। वो बाहर आई और अपने चौकुर पर बैठकर वो बालाजी का फोटो रख दिया और अंदर चली गई। उतने में वहाँ से गुजरने वाली एक दंपति जा रहे थे, उसने देखा क्या ये यहाँ कुत्ते वाले घूम रहे हैं, यहाँ बालाजी का फोटो रखा है। तो उस आदमी अच्छा भक्तिवान था, उसने कहा अरे भाई ये तो यहाँ बालाजी का फोटो बाहर रखे हैं, यहाँ से पशु पक्षी आते हैं, कुत्ते वगैरह आते हैं, यहाँ यहाँ क्यों रखा। तो हमने वो उनको बुलाकर घर वालों का ये तुम्हारे घर का फोटो है, तुमने यहाँ रखा है। तो उसने उन्होंने कहा हाँ तो ये फोटो अंदर पूजा रूम में रखो, यहाँ किसके रखा है। तो बेटे तुम्हारा क्या काम, कहीं भी रहने दो, वो तुम्हारे लिए भगवान है, मेरे लिए भगवान है। तो उसने वो जो आदमी था नहीं बेटी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, ये बात है कि वो सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले देवता है, तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो। उसने 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 बताया कि उसके पिताजी ने उससे बताया कि मेरी बेटी को ये गुस्सा है कि वो अभी कम से कम 30-32 साल की हो रही है, उसकी शादी नहीं हो रही है,
उसको यही जो गुरु फिर तो कौन शादी कर लेगा, ऐसा उसका कहना है। तो उस बच्चे ने कहा एक बार मैं बेटी को देखना चाहता हूँ। बेटी को देखा और उसने कहा एक मैं आपको बात बताऊँ, आपकी बेटी को मेरी बेटी से लेकर शादी करोगे? तो उन्होंने कहा क्यों? मेरा बेटा है, मेरे पास करोड़पति, मैं करोड़पति हूँ, बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन मेरे बेटे का एक पाँव थोड़ा लंगड़ा है, वो पोलियो में गया है, क्या तुम्हारी बेटी उसके साथ शादी करे? बेटा बहुत सुंदर था, उस बेटे को लेके आया, तो तुम्हारी बेटी को बुलाओ। जब उसने उस बेटे को बताया और बेटे ने बेटी को देखा, बेटी को बताया देखो बहुत सुंदर, मां से कह लेना, उसका मस्तिष्क बदल गया और उसने कहा मैं शादी करने के तैयार हूँ। और वो बेटे ने कहा मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ।